खबर सूरत से है। एशिया के सबसे बड़ी सूरत कपड़ा मंडी कोरोना काल में लगातार 1.5 साल से घोर मंदी के हिचकोले खा रही है। मंदी भी इस कदर कि सूरत कपड़ा मंडी में ग्रे कपड़े का उत्पादन 2.5-3 करोड़ मीटर प्रतिदिन से घटकर मात्र 1.25 करोड़ तक रह गया है। ऐसे हालात में 40,000 करोड़ के सालाना टर्नओवर वाली सूरत कपड़ा मंडी की आर्थिक व व्यापारिक स्थिति पूरी तरह से चरमराई हुई है। दक्षिण भारत में कोरोना का अंत तक ज्यों का त्यों बरकरार है और केरल, तमिलनाडु व कर्नाटका के अलावा महाराष्ट्र में 1.5 साल से व्यापार धंधे चौपट हैं। मंदी के दौर में सब तरफ से बिगड़े हुए हालात के बीच एक व्यापारिक आस की किरण इन दिनों फूटी अवश्य है। ये आज की किरण देश की सबसे बड़ी आबादी वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश व बिहार से व्यापारिक उजाला फैला रही है। गत वर्ष कोरोना महामारी की एंट्री के 5 महीने बाद भी उत्तर भारत के इन्हीं 2 प्रदेशों ने सूरत कपड़ा मंडी को आर्थिक व व्यापारिक ऑक्सीजन मुहैया करवाई थी और एक बार फिर से दोनों प्रदेश चालू वर्ष में भी ये जिम्मेदारी निभाने को मानो तैयार खड़े हैं। सूरत कपड़ा मंडी का 30% कपड़ा कारोबार उत्तर प्रदेश व बिहार राज्य की कपड़ा मंडियों यानी कि कानपुर, बनारस, गोरखपुर, पटना, मुजफ्फरपुर आदि में होता है। दोनों प्रदेश में सालाना 12,000 करोड़ का कपड़ा सूरत कपड़ा मंडी से बिकने पहुंचता है और इस वर्ष भी 8वें महीने के बीच 80% कपड़े की सालाना बिक्री हो चुकी है। इसके ठीक दूसरी तरफ पूर्वी भारत की कोलकाता व रायपुर मंडी, पश्चिम भारत की पुणे व कोल्हापुर मंडी और दक्षिण भारत की हैदराबाद, चेन्नई व बेंगलुरु मंडी में अभी तक 30% कपड़ा कारोबार भी नहीं हो पाया है, जबकि इन तीनों क्षेत्र में सूरत कपड़ा मंडी से सालाना 28,000 से 30,000 करोड़ का कपड़ा बिकने पहुँचता है। इन सब हालात के बीच देश भर में आधी आबादी वाले महिला वर्ग तक साड़ी, ड्रेस आदि का कपड़ा पहुँचाने वाली सूरत कपड़ा मंडी को कोरोना काल में भी मात्र उत्तर भारत से ही आर्थिक व व्यापारिक संभल मिल रहा है, जिसे हजारों कपड़ा व्यापारी एक आस की किरण समान देख रहे हैं और मानकर बैठे हैं कि थर्ड वेव की आशंका निर्मूल साबित हुई तो धीरे धीरे कोरोना से हालात सब जगह बदलेंगे और उन कपड़ा मंडियों में भी व्यापार प्रारंभ होगा जहां फिलहाल सब बंद पड़ा है।